Hello everybody, I am Baljit Dhaka from Pinnacle Coaching Center and today we are going to discuss. आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो 27 तारीख का एग्जाम हुआ है, मॉर्निंग इवनिंग या 28th, अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है 28th अगस्त से, अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में. इस दौरान हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या कोई नया चेंज हुआ है इस दौरान जो हम टेस्ट सीरीज में करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. मेन इंपॉर्टेंट थिंग होगी कि आप जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, उनको आगे क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं. इसका ब्रीफ मैं अगर आप दूँ, जो 3 शिफ्ट में अभी एग्जाम हो चुके हैं और 4th शिफ्ट भी मुझे लगता है कि उसी के अनुसार जाएगी जो अभी 3 शिफ्ट में एग्जाम बच्चों का गया है. अब देखने की कोशिश करते हैं कि देखो, अगर हम इस एग्जाम को 27th और 28th जो एग्जाम हुआ है अभी मॉर्निंग में, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 पार्ट में, एक में कि प्रॉब्लम क्या, किस तरह की प्रॉब्लम आई होगी बच्चों को, क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आई या एग्जाम है अभी बच्चों का स्मूथ गया है. दूसरा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेक्ट किया है उसके अनुसार पैटर्न था, और आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे जिसमें कि अगले संडे को, सैटरडे को या उससे अगले सैटरडे संडे को जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, उनको क्या स्ट्रेटजी, क्या उनसे सीख सकते हैं पैटर्न से. इससे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और कटअप क्या हो सकती है, क्योंकि एक दिमाग में बात हमेशा रहती है कि टायर वन क्लियर करना, उसके लिए कितनी कटअप चाहिए, तो वो क्या हो सकती है, और बाकी जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम जिनका स्टूडेंट का आगे होना है, उनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और टायर टू में क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं इस एग्ज़ाम को अगर हम आधार माने. तो फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि एसएससी ने दूसरी बार एग्ज़ाम लिया है ऑनलाइन, पहले उन्होंने सीपीओ का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया था. अगर हम पीछे से उसका हिस्ट्री देखें एसएससी की और इस एग्ज़ाम देखें कि सीपीओ और जो एसएससी का अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन, अगर हम बात करें सीपीओ और एसएससी सीजीएल का, अभी 2 दिन हो रहे हैं और एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया है. हालांकि जो लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, और जो क्वेश्चंस का लेवल या बोल सकते हैं जो एसएससी का पुराने टाइम से जो क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी, उसमें भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है. अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल आसान था, ये बात जब पिछली बार एग्ज़ाम देकर आए थे स्टूडेंट तब भी यही बात बोल रहे थे, और जो पिछली बार आमतौर पर बोल कौन रहे, वो जो पिछले 1-2 साल से अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वही स्टूडेंट इस बार भी अपीयर हो रहे हैं. और ऑब्वियसली क्योंकि एसएससी पैटर्न को सेम रखती है, मतलब कि जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे इस बार आए आमतौर पर, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं 10% के आसपास लेवल नीचे होगा, लेकिन पिछली बार भी एग्ज़ाम आसान था, उससे पिछली बार भी एग्ज़ाम आसान था. 1-2 पेपर में मुश्किल ज़रूर था पीछे 2014 में हम बात करें तो, लेकिन अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम इतने मुश्किल नहीं होते. यही कारण है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा रही है पिछले 2-3 साल से, और ये इस बार भी उसी ट्रेंड को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो किस तरह के स्टूडेंट्स ने समस्याओं का अभी या इश्यू है वो स्टूडेंट को आई होगी. तो एक कि सर्वर है वो काफ़ी स्लो है, क्या इससे कोई नुकसान फ़ायदा है किसी स्टूडेंट का, मुझे लगता है नुकसान नहीं हो रहा है इससे, बल्कि फ़ायदा भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि सर्वर जब वो अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, इस दौरान स्टूडेंट्स को का जो टाइम लॉस हो सकता था वो नहीं हो रहा. स्टूडेंट का ये मानना है, बोलना है कि जो 3-4 सेकंड का 5-6 क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है 3-4 सेकंड का, उसकी वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा, बल्कि उनको सोचने का एक टाइम मिल रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि हर 25 क्वेश्चन के बाद वो अपने आप को रीलुक करे कि क्या उसको अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव तो नहीं करना, जैसे कि बैडमिंटन या किसी खेल में होता है, उसी तरह से उसको एक मौका मिल जाता है इस दौरान. तो इससे कोई लॉस होने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी, सर्वर स्लो है, घबराने की जरूरत है नहीं, घबराने की, क्योंकि ये भी हमें मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट 1000 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी टाइम में, वो उस शिफ्ट में,
और इस दौरान है सर्वर को एसएससी ने मेंटेन कर रखा है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहली बार एग्जाम करवा रही है और मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने सक्सेसफुली इसे एग्जाम को कंडक्ट करवाया है। अगर पिछले कुछ 3-4 सालों का इतिहास देखें जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या और कोई मामला हो, पेपर सेटिंग का मामला हो, अभी तक इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक अचीवमेंट है एसएससी का। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन में इस तरह की दिक्कत आ रही है जहाँ की क्वेश्चन अटक पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन है स्मूथ चल रहे हैं और कोई इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक जो सर्वर से रिलेटेड मैं बात करूँ उससे ऊपर कि जो एक फीडबैक आया है स्टूडेंट्स का कि उनका एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ, बाद में स्टार्ट हुआ मतलब कि कई बार अगर 10:30 है या 10:45 पे एग्जाम स्टार्ट हुआ, इस तरह की कोई फीडबैक है स्टूडेंट्स की आई है, मतलब कि सभी का एग्जाम उस दौरान स्टार्ट हुआ और कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया स्टार्ट। जब कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया है उनको मैं एक एडवाइस बहुत स्ट्रांगली देना चाहूंगा, जब तक कि आपका, और ये जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे थे ओमर वहां पे भी ये बात लागू थी कि आप जब तक कि एग्जाम नहीं हो आपका, आपको मैदान के अंदर वहीं पे डटे रहना है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया और मुझे बोला अब नहीं हो सकता और वो बाहर आ गया। ये बात पहले ऑफलाइन में भी आ रही थी और इसमें भी आ रही है। आपकी कोशिश यहीं पे होनी चाहिए कि आप एक टेम्परामेंट बनाए रखें और उस सेंटर से बाहर नहीं आए जब तक एग्जाम नहीं हो। यह उस एग्जामिनर की वहां पे ड्यूटी होगी, जो सेंटर को सुपरिटेंडेंट होगा उसकी ड्यूटी होगी, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस से वहां पे बात करे और वो आपको फैसला सुनाए। आमतौर पे क्या होता है कि वो यहाँ पे एग्जामिनर या सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर का जो इंचार्ज होगा, वो स्टूडेंट को ये बोलने की कोशिश करते हैं उनकी, ताकि उनका पीछा छूट जाए कि भाई आप एग्जाम नहीं हो सकता जाओ, लेकिन आपको ये मैदान छोड़ना नहीं है वहां पे। यह मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप को वहां पे नहीं छोड़ेंगे उसको एसएससी से बात करनी पड़ेगी वहां ऑफिस ऊपर, और एसएससी हमेशा स्टूडेंट को अलाउ करने की कोशिश रहेगी। तो फर्स्ट लर्निंग कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं सेंटर को, आपका एग्जाम होगा या फिर आपको कोई बात बताई जाएगी ऑफिशियली सिर्फ उस एग्जामिनर जो कि प्राइवेट उस एग्जामिनर या सिर्फ सेंटर इंचार्ज से नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल से बात करके, और फिर भी अगर एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, इमीडिएटली आपको रीजनल ऑफिस में बात करें। आप बोलेंगे फोन नहीं उठाते हो, आपको चाहे ईमेल लिखनी हो, बात करनी हो, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और जरूरत पड़े क्योंकि ये लाइफ का सवाल है तो आपको अगले दिन उस रीजनल ऑफिस में जाना चाहिए, जिससे कि समस्या का कंक्लूजन तक पहुंचना है, यहाँ पे मैसेज कंक्लूजन तक पहुंची अगर आपका एग्जाम नहीं होता। ऐसे जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको 2-4% आ सकते हैं सेंटर पे। मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा इश्यू होगा, लेकिन अगर ये हो रहा है तो मैंने आपको सीधा बता दिया, पीछा नहीं छोड़ना जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो और आपको बाहर नहीं आना है सेंटर से। ये आपके लिए लर्निंग फर्स्ट। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड आप बोल रहे हैं कि मेरी पानी की बोतल बाहर रखवा ली, ऑब्वियसली एक ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको पानी की बोतल बाहर रखवाते हैं तो हो सकता है मिले पानी, या बाकी ऐसा इश्यू नजर नहीं आया जिससे कि आमतौर पर एग्जाम है बाकी स्मूथ हो रहा है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड ठीक नहीं है। देखो, इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल कर रहे हैं वो, और इस तरह की सिचुएशन अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो स्टूडेंट है वो टेकन फॉर ग्रांटेड देंगे। उम्मीद कीजिए कि वो शायद सभी स्टूडेंट के ओवरऑल भलाई में काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको अपने अनुसार चलने नहीं दे रहे, लेकिन ओवरऑल हो सकता है आपको फायदा पहुंचा रहे हो। तो इसको टेम्परामेंट लूज मत कीजिए, वहां पे कूल रहिए, जो वो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अगले 75 मिनट्स या 2 घंटे आपको आसानी से बिना टेंशन है गुजरने में सहयोग दे, उनका भी आपको भी फायदा होगा। तो दूसरा अगर पोर्शन में अगर देखूं एग्जाम का पैटर्न, 25 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के हो रहे हैं, फिर अगले 25 क्वेश्चन है वो जीके में आ रहे हैं, फिर अगले 25 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, फिर अगले 25 क्वेश्चन है इंग्लिश में आ रहे हैं। जिस एक उम्मीद ये भी थी कि क्या कहीं रैंडम क्वेश्चन तो नहीं है, या कई लोगों का ये फीडबैक था मुझे कि, और हमने कुछ क्वेश्चन पेपर है 5-6 क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ 50 वो बनाए हैं रैंडम, उसमें से अब हम इमीडिएटली चेंज कर रहे हैं, जो 2-3 क्वेश्चन पेपर अभी इस पर बनाने हैं हमें, हम फीडबैक का वेट कर रहे थे, वो इस जो हमारी टेस्ट सीरीज है पिनेकल की जो 50 टेस्ट है उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है।
जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है और जिन्होंने पेपर दिया, उनका ये फीडबैक आया कि एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि पिनेकल कोचिंग सेंटर ने फॉलो किया है। अब ए कि हमने एग्जैक्टली ये फॉलो किया जो एग्जाम में आ रहा है नंबर वन, तो रैंडम क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर टू कि जिन लोगों ने अभी टेस्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, हमारे 50 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, एक दो टेस्ट हमने जानबूझ के रोका हुआ है, वो अगले एक दो दिन में हो जाएगा। हम वेट कर रहे थे ताकि अगर बहुत ज्यादा सडन चेंज हो तो इमिजिएटली हम एक्शन ले लें और आगे ना हो। वही बात संडे को जो हमारे हाई लेवल के टेस्ट हमने किए ताकि वो अगर बाय चांस एसएससी अगर अपना लेवल इस तरह से बढ़ाती है तो हमने 6 सेट है वो एक्स्ट्रा रखे, जिसकी वजह से स्टूडेंट है अगर उस लेवल पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करे तो उनका वो माइंडसेट से रिलेटेड है, वो इस ढंग से हो, माइंडसेट डेवलप हो कि वो ऐसे पेपर भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनका लेवल हाई था, अगर स्टूडेंट वो नहीं भी करें तो अभी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो पैटर्न निकल कर आया है सामने वो इजी है, क्वेश्चन पेपर का लेवल है काफ़ी आसान है, स्टूडेंट आराम से कर पा रहे हैं 75 मिनट्स में। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है वो भी कर पा रहे हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट है 100 क्वेश्चन में 90 अबो तो बहुत सारे स्टूडेंट कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 90 अबो का मतलब ये हुआ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, कुछ स्टूडेंट को फेंकने की आदत होती है, वो भी इसमें जब आसान आसान बोल रहे हैं तो उनको भी लगता है तू भी बोल दे कि ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट किया है, और ये हमने पिछले हमेशा देखते भी आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जिन बच्चों ने 70-80 अगर अटेम्प्ट किए हैं और वो एक्यूरेसी लेवल रीजनेबली ठीक है, 15-20% गलत होते हैं तो भी उनका काफ़ी अच्छा स्कोर जाएगा, तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर जाएगा। एक तो ये बात यहाँ पे हुई, और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने 150 स्कोर कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे, और तो उनको काफ़ी मैं वेटेज दूंगा कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट में आउटस्टैंडिंग रही है। और जो बच्चे 130 प्लस कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, वो 110 प्लस वाले वो निश्चिंत रहे कि उनको टायर वन क्लियर होगा उनका। और जो बच्चे 100 के आसपास रह रहे हैं, इस बात की देखो स्कोर जो मेरे अनुसार प्रोडिक्शन में, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ और मेरी जो पीछे की प्रोडिक्शन आप देखेंगे तो जो एसएससी के आमतौर पे जो कट ऑफ गई है वो उनसे बहुत नज़दीक है, 1 or 2 मार्क्स इधर उधर बेशक हो लेकिन आमतौर पे एग्जैक्ट परसेंटेज एग्जैक्ट कट ऑफ गई है। अगर हमने मैंने ये पेपर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स से जो फीडबैक आ रहे हैं उसके अनुसार, अगर मैं जो स्टूडेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है उनके अनुसार, मुझे लगता है ये 100 से 110 जाएगा, और एग्जैक्ट हम इस पर ज़्यादा निकाल पाएंगे जब 3-4 शिफ्ट में का और एग्जाम होगा, तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन एक मोटे तौर पे 3 शिफ्ट के आधार पे जो अभी मैं बता सकता हूं कि 100 से 110 के बीच में ये जाने की संभावना है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 120 जाएगा, ऐसे कोचिंग सेंटर वैसे पहले भी थे जो 120-110 है, हमेशा सिर्फ जज्बे में आकर या इमिजिएटली बोल देते थे कि इतना जाएगा, आमतौर पर कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी बहुत होते हैं जो कि तैयारी नहीं करके जाते या एग्जाम भी नहीं देते या वहां पे कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, तो ऐसे संख्या आमतौर पे ज्यादा होती है, और जो हम लोग उनके कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आ पाते, हम लोग उनके कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, या तो वो इंटेलिजेंट है या कुछ बच्चे फेंकते हैं ज्यादा है, उन दो तरह की वैरायटी के कॉन्टेक्ट में ज्यादा आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 100 से 110 जाएगी, और जो बच्चे अभी टेस्ट सीरीज वगैरह में 80 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, और जो बच्चे अभी 130-140 के आसपास कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, ए कि अभी जो पिनेकल पोर्टल पे भी टेस्ट 50 टेस्ट हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं, वो इमीडिएटली सबसे पहले वो 50 टेस्ट दे, इसका मतलब एक दिन में वो 2 दे 3 दे 4 दे 5 दे जितने भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे टेस्ट कंज्यूम करे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो स्टूडेंट का फीडबैक आया कि कुछ क्वेश्चन लगभग 30% क्वेश्चन वही हैं जो कि एग्जाम में वहां पर टेस्ट सीरीज में वो आए हैं, इसका मतलब हमने एक कि ज्यादातर क्वेश्चन वो भी कवर किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, और एसएससी ने वही पैटर्न रखा है जो प्रीवियस ईयर्स बेस्ड था।
और कुछ स्टूडेंट को ज्यादा आसान लगने का यह भी रीजन है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर किए होंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर नहीं किए हैं वो इमीडिएटली करें, और इन टेस्ट में वो सारे हमने कवर किए हुए हैं, जो क्वेश्चन है वैरायटी क्वेश्चन है वो किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होगा साबित। 50 टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, और फिर वैरायटी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसी पैटर्न को वो फॉलो करें, आपको फायदा होगा। अननेसेसरी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत न करें, और ये बात मैं पहले कई वीडियो में बोल भी चुका हूं कि जो फॉलो पैटर्न को फॉलो करें वो आपको फायदा पहुंचाएगा। जिन लोगों ने खिचड़ी बना रखी थी रीजनिंग क्वेश्चन वो बैंकिंग के साथ एसोसिएट कर रहे थे, उन लोगों के लिए सबक है कि जिन्होंने एसएससी सीजन के पैटर्न को फॉलो किया या जिन्होंने पिनेकल एसएससी सेंटर कोचिंग सेंटर के पैटर्न को फॉलो किया, उनके लिए ये टेस्ट बहुत आसान साबित हो रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट कई दिशा में घूमता भटकता है तो उनके लिए आसान क्वेश्चन भी वो जज नहीं कर पा रहा कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ए इमीजिएटली 50 क्वेश्चन को फॉलो करें आपको फायदा होगा, 50 टेस्ट को फॉलो करें फायदा होगा। और जो हम टेस्ट सीरीज के वीडियो बना रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज के वीडियो है उन सबको फॉलो करें, इससे आपने अगर कम टाइम में भी रिजल्ट देना है 130-140 के आसपास स्कोर रखना है अपना, तो वो ऐसा कर सकता है अगर उसने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है और उनका एग्जाम है आगे 8 तारीख है, 8 सितंबर 11 सितंबर जो एग्जाम आखिर तक पहुंचने हैं उसको, वो 10-15 दिन जो बचे हुए हैं उसमें भी उस रेंज तक पहुंच सकता है, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। लेकिन वो इन रेंज में रहे, इसके अलावा आलतू फालतू चीजें नहीं करने की कोशिश करें। और इस रेंज में भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करें। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स मैथ के होंगे, आप 90 प्लस कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि असली में अगर किसी को कट ऑफ करनी है, ज्यादा स्कोर करना है तो मैथ रीजनिंग। कुछ बच्चों का यह बोलना है कि मैथ मेरा बहुत अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, एसएससी की रीजनिंग हमेशा बहुत आसान होती है, तो वो सबसे पहले बिल्कुल भी प्रेशर है तो भी 25 क्वेश्चन आते हैं तो वो 25 के 25 भी अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। अननेसेसरी वो जीके पढ़ने की कोशिश नहीं करें। कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि वो आमतौर पे क्या करते हैं कि 15 या 20 के आसपास रीजनिंग करते हैं, 15-20 के आसपास वो मैथ में करते हैं, और उनको लगता है अब जीके कर लेना चाहिए तुझे। मेरा ये बोलना है कि वो जीके बाद में छेड़े, 25-25 पूरे पूरे करे मैथ में, पूरे करे रीजनिंग में, जब वो 50 हो जाए उसके और फिर वो इंप्रूव करे इंग्लिश में, आखिर में वो जीके इंप्रूव करने की कोशिश करे, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा वास्ट होता है और इंप्रूव करना इतना आसान नहीं होता 10-15 दिन में। इसलिए मैथ में पूरा स्कोर करे, फिर पहले रीजनिंग में स्कोर करे पूरा, फिर उसके बाद मैथ में स्कोर करे पूरा, फिर इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करना चाहिए उसको, क्योंकि इंग्लिश है वो मेन रोल अदा निभाएगी उसकी सिलेक्शन में। टायर टू में सिर्फ इंग्लिश और मैथ का रोल होगा, इसलिए अगर वो इंग्लिश अभी से उसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया तो ओवरऑल उसका जो नौकरी मिलना वो उसकी तरफ बढ़ेगा। एक चीज अब आपको तंग कर सकती है, बहुत सारे वेबसाइट होती है, वेबसाइट चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक भी है, ये आपका टाइम वेस्ट काफी करेगी आने वाले 10-15 दिन में, 10-15 क्योंकि हर बंदा अपने अपने ढंग से एनालिसिस है, जो क्वेश्चन कौन कौन से आए एग्जाम में वो लाएगा, और स्टूडेंट की एक आदत होती है इस तरह की चीजों में भटकने की, तो इमीजिएटली वो टाइम वेस्ट न करें इन चीजों में। जो अभी मैंने बताया कि वही चीजें जो पिछले 2-3 साल में आ रही थी वही क्वेश्चन आ रहे हैं, 30% वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और उसी को फॉलो करें और सिर्फ टेस्ट चीज के ऊपर फॉलो करें। आप अननेसेसरी जो फेसबुक की एक्टिविटी है, यूट्यूब की एक्टिविटी है, या फिर गोसिप बाजार है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये जाएगी, इतनी जाएगी, उन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। किसमें टाइम लगाए, वो टाइम लगाए कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें। अगर वो इस दौरान हर रोज 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और अगला 10-15 दिन में 10,000-12,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो उसने उसके रिपीट भी हो रहे होंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और आमतौर पे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो एग्जाम में, जो आप ये सोच रहे हैं 10-15 हजार जो पीछे एसएससी के आए हुए हैं या एसएससी जो हमारी टेस्ट सीरीज को वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, ये मत सोचिए किसने कितना कट ऑफ बताया है, उन टाइम ये टाइम वेस्टेज है। और जिनका एग्जाम हो चुका है वो 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, ज्यादा रेस्ट ठीक नहीं होगा, और वो इमीडिएटली टायर टू पे आ सकते हैं, टायर टू में टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। आप पिनेकल पोर्टल पे आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे 80 टेस्ट फॉर टायर वन टायर टू, 40 मैथ और 40 इंग्लिश। इसका मतलब अगले 2 महीने के आसपास जब टायर टू का एग्जाम होगा
लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 या 2.5 महीने का या मैक्सिमम 3 महीने का। बहुत जल्दी ही अगर SSC ये सारे टेस्ट SSC ने स्मूथली कंडक्ट कराए तो Tier 2 का एग्जाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, उसके 1 महीने के बाद Tier 3 का एग्जाम होने हो जाना चाहिए। तो Tier 2 पे तुरंत एक्शन ले और हर रोज एक टेस्ट करने की कोशिश करें। 2-3 दिन के गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट 15-20 दिन तक वेट करते हैं या फिर वो Tier 1 का रिजल्ट के वेट करते हैं, इस दौरान वो समय आपका काफ़ी जा चुका होगा और इससे भारी नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप 15 दिन का भी गैप कर देते हैं एकदम आपकी जो परफॉर्मेंस है नीचे आ जाती है, यहाँ तक कि 3-4 दिन के बाद भी एकदम अगर आप गैप देते हैं परफॉर्मेंस का नीचे आना स्वाभाविक है। इसलिए जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो गैप नहीं दे ज़्यादा, इमीडिएटली हर रोज एक टेस्ट जरूर सोल्व करें। जो 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं Tier 2 में और 100 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि अभी तक पिछले SSC 2-3 साल में कर रही है, उसी को आप फॉलो कीजिए, वही Tier 2 का होगा। और Tier 3 के लिए आपको हम बहुत जल्दी ही उस पर स्टार्ट करने वाले हैं एक्शन प्लान, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं जो SSC सीजल की तैयारी कर रहे हैं। और जो SSC सीजल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कृपया करके वो इस चैनल पे नए रहें, उन्हीं में उसकी भलाई है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे हमें और जब वो डिस्टर्ब करेंगे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे और मैं उनको ब्लॉक करूँगा। इससे पहले कि उनको ब्लॉक किया जाए तो बेटर यही है कि वो जो माइंडसेट है SSC सीजल की तैयारी कर रहा है या वो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहा है जिसमें हम हमारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहा है तो रहिए, वरना आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उन लोगों को जो रिसर्च कर रहे हैं, वो फोकस करवा रहे हैं स्टूडेंट का, और आप अननेसेसरी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये चैनल पेड चैनल है, कृपया कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोचिंग सेंटर SSC CGL, क्योंकि हम पेड चैनल हैं, हम अपनी रिसर्च करते हैं, हम स्टूडेंट के लिए प्लान डेवलप करते हैं, उनमें बाधा मत डालिए। इससे बेटर ये कि आप छोड़ दीजिए इसको, हम ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि पहले भी मैं कई स्टूडेंट को ब्लॉक कर चुका हूँ जिन लोगों ने कुछ अनावश्यक बयानबाजी की थी कि इसका लेवल आसान है। अब वो एग्जाम में SSC में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि उनका भी आसान है, आम तौर पे आसान है आपके लिए तो आप आइए ना, फिर बेरोजगार क्यों है, नौकरी लगनी चाहिए आपकी अगर आप इतने जीनियस है। तो बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना रिसर्च करने के बाद Tier 1 Tier 2 Tier 3 इसमें सभी को क्रॉस करना और फिर नौकरी लेना ये आसान नहीं होगा। ध्यान रखिए जिन स्टूडेंट का एग्जाम का अच्छा हुआ है 130 130 40 जिन्होंने क्रॉस कर दिया है उनकी संभावना उतनी ही है जितनी जिन लोगों ने 110 किया स्कोर। रीजन कि वो लोग रिलैक्स होंगे और 110 वाले रिलैक्स नहीं होंगे, वो उतनी तारीख करेंगे। 700 मार्क्स में से अभी तक सिर्फ 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, इसका मतलब 500 मार्क्स में और जो 30-40 नंबर का जो गैप वो पीछे रह गए हैं कोई, वो 2-3 महीने में 30-40 का गैप करके आगे भी निकल सकते हैं। तो उनको आप हल्के में मत लीजिए, 150 160 जिन लोगों के आ रहे हैं वो रेस्ट ना करें, उनका असल में कॉम्पिटिशन स्टार्ट ही अब हुआ है। Tier 1 सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रूटनी राउंड था, मतलब फिल्ट्रेशन राउंड था, फिल्टर हो रहे थे जो स्टूडेंट सीरियस नहीं थे, असल में कंपटीशन अब स्टार्ट हो रहा है Tier 2 और Tier 3 के लिए। तो मैं Tier 2 और Tier 3 के लिए तो आपको शुभकामनाएं देता हूं जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जिन लोगों का एग्जाम अच्छा होना है उनके लिए ये कि वो बने रहे मैदान में, फोकस रहें, और जिन लोगों ने थोड़ा कम स्कोर किया है 100 या उससे नीचे किया है वो निराश ना हो और वो अगले साल के लिए तैयारी जारी रखे। आमतौर पर जो लोग 3-4 साल से तो तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बीच में गैप दे देते हैं, जब वो गैप देते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दिशा से भटक जाते हैं और उनका काम फिर जॉब के लिए अप्लाई रह जाता है, तैयारी करना नहीं रहता। आपका काम तैयारी करना है, जब तैयारी होगी और आप कुछ एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन फोकस के लिए करेंगे आपको जॉब 100% मिलेंगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है और जिनका एग्जाम हो चुका है उनको Tier 2 की और Tier 3 की बेस्ट विशेस देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पिनेकल चैनल का टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर रखी है, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी मोटिवेशन की वजह से ही हम इतने जो टेस्ट हैं 50 टेस्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होता है 50 टेस्ट और 80 टेस्ट
जो हमारी श्रृंखला आ रही है, अभी टेस्ट सीरीज आ रही है टेस्ट टायर टू के लिए, और 20 टेस्ट की सीरीज है वो हम बहुत जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं टायर थ्री के लिए, और टायर थ्री के लिए भी हम एक स्पेशल कोर्स अभी बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 40 लेक्चर्स उसमें की स्टडी आपको टेक्निक बताई जाएगी हाउ टू राइट, हाउ टू राइट ऑन वेरियस टॉपिक्स, उससे रिलेटेड है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स बहुत जल्दी ही हम अनाउंस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसी के साथ मैं आपके से आज्ञा लेता हूं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।